जब 65 की लड़ाई चल रही थी तो आप चाइना बॉर्डर पे उस समय तैनात थे कि उसको भी उस समय अलर्ट था कि कहीं दूसरी तरफ से हमला ना हो जाए। एक खच्चर घोड़े थे उसके ऊपर लोड करके तो खाने को लेकर उस समय साधन नहीं होते थे लेके जाने के लिए। एक तोप को डिसमेंटल करके गनों के ऊपर लोड करके थे हम 9000 फुट की दो रातों के अंदर लेके चले गए। और जब हम गन्ने तैयार करी हमारी खच्चर भी एक बैरल के साथ नीचे गिर गई थी 200 फुट नीचे और बैरल वो मेन बैरल दिया मेन बैरल जिससे कि फायर करना है बैरल देखो इसे फायर करना मेन तो वो था। पहला जब तक पहला गोला नहीं फायर होता डर मुझे होता है मन में। आए हैं इधर के अभी अगर मौत से तो फिर डरना नहीं ना फिर तो मौत से डर के भागे तो कहाँ जाओ। जैसे आप बता रहे थे कि पहला गोला चलने तक की डर होता है उसके बाद क्या होता है फिर वो जज्बा कैसे चलता है। यस 100 गोला फायर किया थे हमने हजारा गोल फायर किए उनके हमारे गोले उनके गोरे गिलते थे। मेरे पास एक गोला गिरा तोप खाने का तो वो शेल गिरा के वो मेरी जब मैं पैदाशियों से एक सब पहले का बना हुआ था 1940 फॉर्चुनेटली वो ब्लाइंड हो गया फटा नहीं तो इसलिए शायद के आपके साथ एंट्री होनी थी। अच्छा खच्चरे हमारे काम आई 71 में कि हम जब लेकर गए गुलमर्ग सेक्टर पूरा पाकिस्तानी कहने लगे कि एक यूनिट नहीं आई बल्कि ब्रिगेड आ गया। हमने पाकिस्तान के जब हमारा एक जवान भी शहीद हो गया 16 बंकर उड़ाए हमने कैप्चर ही किया काफ़ी सारा इलाका। आपने बताया पुंछ में एक हादसा हुआ था जो लड़के थे वो नाराज थे हमने पूछा एड्रेस किया उनको कहते हैं कि आप बीच में मत आओ। मैंने क्या बोलता है डीसी ने शरण ले रखी थी एसपी के घर जाके लाइट्स वर कट ऑफ टेलीफोन कनेक्शन कट ऑफ कोई मोबाइल नहीं होते थे उस समय। थोड़ा देर में क्या हुआ था उस समय आपने कैसा फैसले लिए कि आज पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश का नक्शा हो रोता अगर ये बहादुर जेतू भाई का लाल अगर सरकार के हुक्म के सेना मुखी को नामंजूर करते हुए कहता कि हम कैसे तरन तारण अमृतसर के अपने इतने धार्मिक स्थान छोड़ के हम ब्यास के पीछे कैसे आ जाए। देखो कि हिंदुस्तान ने जीते से पाकिस्तान दे जा साडे खास प्रोग्राम जय हिंद अर्शदीप समर दिन शनिवार शाम 7 बजे द समर न्यूज।